जो पंजाब दे विच पहला इस तरह का मॉडर्न कंट्रोल रूम है, एक हाईटेक कंट्रोल रूम जिहड़ा वो डेडिकेट किया गया लोगों की सेवा। इसका मेन ऑब्जेक्ट जिहड़ा डिटरेंस हैगा कि क्राइम होने तो पहले क्राइम को रोकिया जा सके। जब पूरे शहर में चार जोनस के डिवाइड किया गया है, उस टीम जिहड़ियां कंटीन्यूअस मॉनिटरिंग करती है टाइम सेंसिटिव, जिवें मान लो सवेरे का टाइम है जो स्कूल के बच्चे या कॉलेज के बच्चे जाते हैं तो वो उन सीसीटीवी कैमराज की मॉनिटरिंग की जाती है, शाम के टाइम बाजारा की मॉनिटरिंग की जाती है, या जोड़े सेंसिटिव जो साढ़े रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है होर थावान पर, तो जिते भी कोई शक्की बिहेवियर लगता है वो सीसीटीवी मॉनिटरिंग तो इमीजिएटली वो कंट्रोल रूम जो नाल ही डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम का वायरलैस ऑपरेटर बैठा होता है वो फिर कंट्रोल रूम भी वहीकल में उत्ते मूव करा देता है। जो क्राइम हो जाता है तो उसकी सीसीटीवी तो उसकी रीकंस्ट्रक्शन करके जो कोई स्नैचिंग हुई है या कोई होर वारदात हुई है वो किहड़े बंदे सीगे, उन्हां दा हुलिया किवें सीगा, उन्हां दा डीआर की सीगा, उन चीज़ां नूं एनालाइज किया जाता है। अज जलंधर दे विच इन्हां दा मॉडर्न जिहड़ा कंट्रोल रूम हैगा उसनों रेनोवेटेड कंट्रोल रूम जिहड़ा इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर हैगा इस दो एक नवे लेवल ते ले जाके इहदी इंटीग्रेशन जिहड़ी हैगी वो मैं विजिट किया। तो यह बेसिकली एक कन्वर्जेंस पॉइंट हैगा जिहड़ा डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम है साडी जिहड़ी हैल्पलाइन 112 हैल्पलाइन चाइल्ड हैल्पलाइन वायरलैस पीसीआर डिस्पैच ट्रैफिक ते सीसीटीवी सर्विलेंस सारा कुछ अंडर एक रूफ जिहड़ा हैगा जलंधर कमिश्नरेट पुलिस ने अचीव किया है, जिहड़ा पंजाब दे विच पहला इस तरह का मॉडर्न कंट्रोल रूम है, एक हाईटेक कंट्रोल रूम जिहड़ा वो डेडिकेट किया गया लोगों की सेवा लिए। इसका मेन ऑब्जेक्ट जिहड़ा डिटरेंस हैगा कि क्राइम होने तो पहले क्राइम को रोकिया जा सके। जब पूरे शहर में चार जोनस के डिवाइड किया गया है उस टीम जिहड़ियां कंटीन्यूअस मॉनिटरिंग करती हैं टाइम सेंसिटिव, जिवें मान लो सवेरे का टाइम है जो स्कूल के बच्चे या कॉलेज के बच्चे जाते हैं तो वो उन सीसीटीवी कैमराज की मॉनिटरिंग की जाती है, शाम के टाइम बाजारा की मॉनिटरिंग की जाती है, या जोड़े सेंसिटिव जोड़े साढ़े रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है होर थावान पर, तो जिते भी कोई शक्की बिहेवियर लगता है वो सीसीटीवी मॉनिटरिंग तो इमीजिएटली वो कंट्रोल रूम जिहड़ा नाल ही डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम का वायरलैस ऑपरेटर बैठा होता है वो फिर कंट्रोल रूम भी वहीकल में उत्ते मूव करा देता है। सो प्रिवेंटिव पुलिसिंग वाल फोकस हैगा, नाले जो क्राइम हो जाता है तो उसकी सीसीटीवी तो उसकी रीकंस्ट्रक्शन करके कि जो कोई स्नैचिंग हुई है या कोई होर वारदात हुई है तो किहड़े बंदे सीगे, उन्हां दा हुलिया किवें सीगा, उन्हां दा डीआर की सीगा, उन चीज़ों एनालाइज किया जाता है। जो कोई इंसीडेंट हो जाता है ट्रैफिक का, कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई होर इशू हो गया, उस तो बाद जो कंट्रोल रूम हैगा वो सिचुएशन नू मैनेज करता है। यह कोशिश करते हैं कि जोड़ा इंसीडेंट डिटेक्शन दे विच ते जोड़ा साडा रिएक्शन होता है उस दे विच कोई गैप ना हो। मैं यह दसदे बहुत खुशी हो रही है कि इस कंट्रोल रूम की फंक्शनिंग तो बाद जो शहर के पीसीआर कॉल का रिस्पोंस टाइम 15 मिनट तो घट के हुण 5 मिनट रह गए। विदइन 5 मिनट्स जो तुसीं 112 की कॉल करोगे तो उत्थे पुलिस की पीसीआर वहीकल उत्थे जलंधर दे विच पहुंचूगी। इसकी जिहड़ी सुपरविजन हैगी एक टाइम टू टाइम गैस्टड ऑफिसर करते हैं, जिहड़े साडे नाइट ऑपरेशनस लई एक गैस्टड ऑफिसर हमेशा रात दे टाइम बाहर हुंदा है। सो ओवरऑल पूरे शहर दे विच तकरीबन 6000 सीसीटीवीज की फीड जिहड़ी इत्थे इंटीग्रेट की गई है, जिस दे विच 1000 कैमरे 1003 कैमरे जिहड़े ओ स्मार्ट सिटी दे हैगे। सो उस दे विच 102 कैमरे ANPR जिहड़े ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन वाले कैमरे हैगे, जिहड़े गड्डियां दे नंबर प्लेट जिहड़े रीड कर सकदे आ, ओ एंट्री ते एग्जिट पॉइंट्स ते ओ ANPR कैमरेज इंस्टॉल कीते गए हैगे। 40 कैमरे जिहड़े RLVD रेड लाइट वायोलेशन डिटेक्टर कैमरे हैगे, जिवें चंडीगढ़ वर्गा सिस्टम इन्हां ने शुरू करना इत्थे कि ओ पहले ही डिटेक्शन हो जाए जी रेड लाइट जंप करते हैं तो उन्हों का फिर चलान जो उन्होंने घर भेजा जा सके। पब्लिक एड्रेस सिस्टम भी 25 थावां ते है, इमरजेंसी कॉल बॉक्स है, टोटल 26 बीटा के इसमें डिवाइड किया गया है। तो मैं एक कुछ स्टेट लैवल जो इनिशिएटिव असी लए है उस तो भी जागरूक कराना चाहवागा कि एक जदों के न्यू क्रिमिनल लॉज जो 1 जुलाई तो जो इंप्लीमेंट हुए हैं, सो BNSS के अंडर जिहड़ा असी मैंडेटरी हुण वीडियो रिकॉर्डिंग्स हो गई है। सो असी इस चीज़ को एनफोर्स कर रहे हैं कि वीडियो रिकॉर्डिंग्स जिहड़ियां सीन ऑफ क्राइम ते सारी वीडियो रिकॉर्डिंग्स करनी चाहिए। तो टोटल पंजाब स्टेट के 19,500
एफ आई आर दर्ज होगा जदों जदों 1 जुलाई तो बाद ते उस दे विच 9171 इस तरह के क्राइम्स थे जिथे वीडियो रिकॉर्डिंग मैंडेटरी सी। तो उस दे विच असीं दो तरह का सिस्टम फॉलो करते हैं, एक तो जिहड़ी मैमरी कार्ड के रिकॉर्डिंग कर लेते हैं, एक एक मॉडर्न ई साक्ष ऐप हैगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। सो उस 6386 ई साक्ष ऐप पर वीडियो रिकॉर्डिंग जो डायरैक्ट जिहड़ा सेंट्रल सर्वर हैगा उस पर अपलोड किया। सो इन्वेस्टिगेशन दे विच पंजाब पुलिस की कोशिश हैगी कि इन्वेस्टिगेशन मॉडर्न बनाया जाए तो ट्रांसपेरेंसी दिवाने लई एक वीडियो रिकॉर्डिंग सीन ऑफ क्राइम की की जाए, सो दैट कोई भी एविडेंस टैंपरिंग ना हो सके, जो सिचुएशन जिवें स्पॉट ते सीगी उसनू जिहड़ा हैगा प्रिजर्व किया जा सके। तो एक जुलाई 2022 तो बाद एक PGD पोर्टल साढ़े ADGP मिस्टर फारूकी उसके नोडल ऑफिसर हैगे तो पब्लिक कंप्लेंट्स रिड्रेसल सिस्टम नू असी ऑनलाइन ते कंप्यूटराइज करता है। सो जिहड़ी भी तुसी कितें भी कंप्लेंट कर सकते हो उसनू एक यूनिक कोई भी सारा सांझ केंद्र हैगा या ऑनलाइन कंप्लेंट की जा सकती है, उन्होंने एक यूनीक ID नंबर दिता जा सकता है तो उस UID तो उसको ट्रेस किया जाता है। कंप्लेंट्स पूरे पंजाब स्टेट के रिसीव हुई सी जिस 410,000 कंप्लेंट्स का निपटारा किया जा चुका है। यह कंप्लेंट भी असी ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड कर देंगे तो उस तो बाद जो किसी IO नू मार्क होंगी है या उसका कोई सिट्टा निकलता है तो थ्रू SMS कंप्लेनेंट को इन्फॉर्म किया। आई वुड वेलकम एनी क्वेश्चंस। मैनूं बहुत खुशी हैगी, मैं इनफैक्ट मैस दे विच खाना भी खाता मुलाजमान दे नाल। सो एक एज अ वेलफेयर मैजर सो अपना मोरैल हाई हैगा ते साडी कोशिश है कि पंजाब पुलिस नूं अपग्रेड किया जाए, मॉडर्नाइज किया जाए। असी नवीं गड्डियां SHOs नूं 300 SHOs नूं दित्तियां सी ते 130 SHO जिहड़े रह गए टोटल पंजाब दे विच 439 थाने हैगे ते उहनां नूं भी इस साल नवीं गड्डियां दांगे। इस तो बाद नैक्सट साडा प्रोजेक्ट हैगा जिहड़े सीनियर ऑफिसर हैगे DSPs SPs तो उहनां नूं भी गड्डियां दांगे ते मॉडर्न टैक्नोलॉजी तो लैस करांगे पुलिस नूं। सर मोगा केस विच अर्शप्रीत कुरुगना ने फेसबुक ते पोस्ट पाई है, वो कहिंदे कि DSP नूं बचाया जा रहा है ते मैनूं झूठे केस सताया जा रहा है ते DGP साहब खुद इस केस नूं देख रहे। देखो जी असी एज पर लॉ जिहड़ी साडी पॉलिसी इंस्ट्रक्शन है कि हर केस दे विच एज पर लॉ जो जायज़ गल हैगी वो कार्रवाई होनी चाहिए। सो बेसिकली इस दे विच मतलब जिवें मैं हुण 24 जिलिआं दा SSP नहीं हैगा सो मैनूं एग्जैक्ट जिहड़ी चीज़ सही है करैक्ट है एज पर लॉ है, किसी दे नाल ज़्यादती नहीं होगी। जे किसी ने कोई रोंगफुल काम किया है तो उस दे नाल जो एज पर लॉ ओहदी लाइबिलिटी बनती वो किया जाए। सहयोग लैके मीटिंगां भी कीतियां जा रहीहां, किस तरह दा सहयोग मिल रहा है, की लोग अपनी परेशानियां बहुत मैं CP साहब की शिफ्ट करांगा कि इन्होंने यह प्रोजेक्ट सहयोग शुरू किया है कि पुलिस ते पब्लिक नू नेड़े लैके आओ ते जिहड़ा गैप हैगा लोगों ते पुलिस दे विच उसनू दूर किया जाए, लोगों तो डायरैक्ट फीडबैक लिया जाए। इनफैक्ट मेरा इतने आन का भी वन ऑफ द परपजिज़ वॉज कि पुलिस नू मॉडर्नाइज ते हाईटैक किया जाए, तो दूजा परपज़ सीगा कि लोगों नाल एक राबता बना के एक मैं आप डायरैक्ट फीडबैक ला कि साड़ी कितने कमियां है, साड़ी कितने गैप्स है, किस डायरेक्शन से पुलिस नू काम करना चाहिए। सो एक बहुत ही अच्छी यूजफुल पब्लिक मीटिंग रही ते सारे शहर के जिहड़े मुवज्जिज़ लोग सीगे रिस्पेक्टेबल्स डिफरेंट एसोसीएशंस फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ ते सारे नाल एक बहुत ही ओपन इंटरैक्शन होया। सर एक है वरिंदर महाजन और अर्शप्रीत वाला जिहड़ा दीज आर द ब्लैक शीप ऑफ पंजाब, इन्हां नाल बेंड भी हुंदी है, यू आर डूइंग रिफॉर्म्स गिविंग टू गोइंग टू द पब्लिक महफूज रखांगे। फेस्टिवल सीजन ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜੈਮਸ ਨਾ ਲੱਗਣ, ਸਮੂਥ ਫਲੋ ਆਫ ਹੋਵੇ। ਸਰ ਮਲ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵੀ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਜਲੰਧਰ ਵੀ ਕਿਤਾ ਕੀ ਕਮੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਦੋ ਮੇਨ ਟੀਚੇ ਹੈਗੇ ਸਟਰੀਟ ਕ੍ਰਾਈਮ ਤੇ ਸੇਲ ਆਫ ਡਰੱਗਸ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਣੀ ਹੈ
ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਐਨਰਜਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਸੋ ਦੈਟ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬੈਟਰ ਪੁਲਿਸ ਸਰਵਿਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਲੀਵਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।